पढ़ेंगे और संविधान हर वर्ल्ड एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर देखें आप तो संविधान का होना बहुत ही निहायत जरूरी होता है और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, आज एग्जाम में आपको काम देगा। तो सबसे पहले हम संविधान को पढ़ने से पहले संविधान के बारे में जाने, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके विषय में जानना अति आवश्यक होता है। जैसे ही आप विषय को जानेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको जानकारी होती रहेगी। तो संविधान क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संविधान को देखें तो संविधान, सम माने समूह होता है, विधान माने विधि या कानून होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। या अगर दूसरे वे में देखें तो हम कह सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा समूह या दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। अगर और आए हम डिफिनेशन को देखें तो एक आसानी से डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंडिया एक्ट। ये भारत सेल्फ यूनियन ऑफ ए स्टेट, ये तो प्रस्तावना में दिया हुआ है लेकिन बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, माने किसी भी देश के सर्वोच्च कानून को हम संविधान कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि संविधान विश्व में सर्वप्रथम संविधान लिखित संविधान किस देश का आया, तो 1787 में पहला जो लिखित संविधान हम लोगों को पूर्णतः मिलता है वह मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका का और इसे 1789 में लागू किया गया। लेकिन हम जब बात करते हैं कि अलिखित संविधान का उदाहरण किस देश का मिलता है तो सर्वप्रथम हम लोगों को अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का मिलता है। और हमारे संविधान की यदि बात करते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह विश्व का सबसे बृहद एवं लिखित संविधान है। हम लोगों का संविधान 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आया जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर भारतीय संविधान की अगर बात करें आप तो भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभावित किसी देश के संविधान से हुआ है तो वह जो है ब्रिटेन के संविधान से हुआ है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। और यहाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होता है। सबसे पहले इसको जाने कितने अंग होते हैं और कितनी प्रणालियाँ होती हैं। तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम देखें तो लोकतंत्र को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि ऐसा देश जहां पर पूर्वी निर्णय जनता की इच्छा और सहभागिता से लिया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का मिलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत का मिलता है। अब इसके तीन अंग है लोकतंत्र के, कौन कौन है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। अगर हम कभी कभी देखते हैं हम लोगों को प्रश्नों के रूप में आ जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चौथा पिलर किसे कहते हैं, तो प्रेस को कहते हैं, मीडिया वालों को कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में किया गया है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं जो इसके अंग है किसे कहते हैं तो सर्वप्रथम हम विधायिका को ले लेते हैं। विधायिका का मतलब कि जो संस्था विधि बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। विधायिका दो होती है, एक संघ की विधायिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है। संघ की विधायिका माने संसद को कहते हैं, राज्य की विधायिका माने विधानमंडल को कहते हैं। अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद का अगर उल्लेख देखें आर्टिकल 79 में है और उसमें कहा गया है कि संसद तीन अंगों से मिलकर बनेगा, जिसको उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि नंबर एक राष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, दूसरा है राज्यसभा होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, तीसरा है लोकसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। इन तीनों से मिलकर आपकी संसद बनेगी, ठीक है। और विधानमंडल भी, विधानमंडल का उल्लेख अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 168 में है और विधानमंडल भी तीन अंगों से मिलकर बना हुआ है, नंबर एक राज्यपाल, नंबर दो विधान परिषद सॉरी विधानसभा है और दूसरा है विधान परिषद है। इन तीनों से मिलकर माने राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर आपका जो है क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तीनों से मिलकर विधानमंडल, विधानमंडल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नंबर एक संघ की कार्यपालिका और नंबर दो जो है होता है राज्य की कार्यपालिका। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अभी कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा है, तो संघ जब भी पूछे आपसे सीधे आप राष्ट्रपति पर जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करता है चाहे नियुक्ति हो तो आप राष्ट्रपति पे जाइए, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या होता है, राज्यपाल होता है। तीसरा जो अंग है
वो है आपका क्या है, न्यायपालिका, जुडिशरी बोलते हैं। न्यायपालिका माने जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, जो संस्था उसे दंड देती है, हम उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका दो होती है, एक संघ की न्यायपालिका माने सर्वोच्च न्यायालय, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में किया गया है और भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और दूसरा जो है वह है राज्य की न्यायपालिका अर्थात उच्च न्यायालय, जिसका उल्लेख हमको जो है 214 से लेकर के जो है सॉरी 214 से लेकर के 237 में मिलता है और भाग 6 में मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपने देखा होगा उच्च न्यायालय की स्थापना 3 जगहों पर की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी कोई बताएगा? कलकत्ता, मद्रास और बंगाल। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, बंगाल नहीं, मुंबई, इन तीनों जगहों पे कब की गई थी? 1862। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद का, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र की प्रणाली। लोकतंत्र की 3 प्रणालियां हैं। नंबर 1 आप अगर देखें तो संसदीय प्रणाली है, नंबर 2 देखें तो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, और नंबर 3 देखें तो वो कौन सी प्रणाली है, संघीय प्रणाली है। हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। भारत भी संसदीय प्रणाली लागू करता है। हम लोग संसदीय प्रणाली को कहां से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। अब किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे संसदीय प्रणाली जहां कार्यपालिका विधायिका की प्रति उत्तरदायी हो और राष्ट्रपति में शासन की शक्ति ना मात्र हो। हम लोग देखते हैं कि यहां राष्ट्रपति जो है भले देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च स्थान है, एक गरिमा है, लेकिन वह क्या करता है, कभी भी कोई निर्णय लेता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से लेता है। तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, वास्तव में यहाँ संसदीय प्रणाली है। दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब होता है जहाँ कार्यपालिका विधायिका का प्रतिनिधित्व न हो और शासन की शक्ति क्या हो, किसमें हो, राष्ट्रपति में हो। इसका सर्वोच्च उदाहरण आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का मिलता है, और अमेरिका जो है अध्यक्षीय प्रणाली लागू करने वाला पहला देश। तीसरा जो है वो कौन सा आता है, तो तीसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो संघीय प्रणाली जी हाँ, ऐसी प्रणाली जहाँ दोहरे स्तर की सरकार हो, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया हो। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ देते हैं संघीय प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कनाडा है, और भारत में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो कनाडा से ली गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या आते हैं उसके बाद आते हैं हम लोग राजतंत्र। राजतंत्र के बारे में कोई बताएगा? मैंने पढ़ाया भी है आपको राजतंत्र किसे, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का ध्यान दीजिएगा, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन न हो बल्कि अनुवंशिक हो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जैसे कोई राजा हुआ उसका लड़का ही राजा होता है, कभी भी आपने देखा होगा तो कह रहा है जहां राष्ट्राध्यक्ष माने राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो बल्कि वहां क्या हो, अनुवंशिक हो, उसे राजतंत्र कहते हैं। उसके बाद गणतंत्र किसे कहते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। गणतंत्र का मतलब हमने बताया भी है कि भारत कब गणतंत्र देश बना, 26 जनवरी 1950 को बना। लेकिन गणतंत्र किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि सर जहां पर, ध्यान दीजिएगा, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वह अनुवंशिक हो, उस देश को हम गणतंत्री देश कहते हैं। हम लोगों ने गणतंत्र शब्द कहाँ से अडॉप्ट किया बाकी संविधान में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप बोलेंगे सर फ्रांस से अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद संविधान की प्रति आती है, मुख्य रूप से 2 है लेकिन वैसे सामान्यतः देखेंगे तो 4 है। कौन कौन है, लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है, कठोर संविधान है। तो उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं लिखित संविधान का। तो लिखित संविधान का मतलब ऐसा संविधान जिसमें हमें लिखित रूप से दस्तावेज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, भारत का संविधान आलो कितने समय में लिखा गया, 2 साल 11 माह 18, तो ये क्या है, लिखित संविधान है, इसका एक दस्तावेज है। 63,000 रुपए लगे, 13 कमेटी गठित हुई, 11 अधिवेशन हुए, प्रारूप समिति में साहब सदस्य थे, अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, तो ये लिखित हो गया। लेकिन अलिखित जिसका हमें अलिखित रूप से दस्तावेज मतलब लिखित रूप से दस्तावेज नहीं मिलता है उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पहला उदाहरण किसका है, ब्रिटेन का। अब आते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो लचीला संविधान उसे कहते हैं, उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है, अब उसे क्या कहते हैं, हम लचीला संविधान कहते हैं।
ठीक है। और कठोर संविधान किसे कहते हैं, तो जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो जाता उसे हम क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। अगर हम लोगों के संविधान की बात करें तो अस्त लचीला और अस्त कठोर दोनों का मिश्रण है। अगर एक दृष्टिकोण से आप देखें जिस तरह से आज वर्तमान में 105 संशोधन हुए हैं उस आधार पर आप कह सकते हैं कि लचीला अधिक है, क्योंकि आप देखते हैं कि कब कौन सरकार किस तरह से संशोधन कर देती है उसके कारण। अगर अपने आप विचारों को प्रस्तुत करेंगे, आप संविधान के ज्ञाता है, जानकार है, तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है सर्वोच्च तो जरूर है, उसमें लिखा हुआ वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, ये भी बताता है और बताता है कि संविधान का अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन कहीं न कहीं यह जरूर दर्शा रहा है कि जो भारतीय संविधान है लचीला अधिक है, लचीला नहीं रहता तो इस तरह से संशोधन जो उनके तीव्र गति से हो रहे हैं। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका के संविधानों में कितने संशोधन किए हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो इनकी मंशाएं हैं वो देखने को मिलता है, साफ दर्शाता है कि नहीं, हाँ इसमें इजीपन है। इजीपन नहीं होता तो इतने आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। आज हम लोगों को देखने को मिला है 105 संविधान संशोधन हो गए हैं, तो ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं समझ रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है लचीला अधिक है, कठोर कम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं।